नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जीआर में। दोस्तों कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राणा और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखिए, या तो आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन है या अदरवाइज किसी भी कंपनी का आपके पास फ़ोन है, आईफोन को छोड़ करके एमआई का या सैमसंग का जो भी हो, और दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है और ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप बहुत ही भरमात्र समय में ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं। मान लीजिएगा जैसे कि आपने जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है, ठीक है दोस्तों, आप उन्हें ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होंगी इस तरह से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिखा जाएगा ओवरली स्क्रीन के लिए कि आप ओवरली स्क्रीन के लिए और मैनेज करें, ये सभी कुछ आ जाएगा लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों, और भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम इन्हें ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो पाती हैं, यहाँ पर ओवरली स्क्रीन कुछ लिखा जाता है। देखिए इस तरह से ये लिखा आ जाता है और ये ओपन नहीं हो पाती हैं। तो आप इन्हें कैसे सही करेंगे वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों बहुत ही इस प्रॉब्लम का बहुत ही छोटे सा कम समय में और आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये ओपन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर ओवरले स्क्रीन के लिए आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे। अपना नेट ऑन करने के बाद प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। देखिए परमिशन मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना है आपको परमिशन मैनेजर, ठीक है दोस्तों। आप इसको क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं परमिशन मैनेजर का, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करके और इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर अनइंस्टॉल और ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। आप जब करोगे पहली बार तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, चलिए अब आपका प्रोसेस आपका बता देता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है इसमें। देखिए स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा परमिशन मैनेजर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो एप्लीकेशन है वो सभी ओपन हो जाएंगी जो भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, ठीक है, की कर रखे हैं दोस्तों प्ले स्टोर से। और यदि आप ऊपर इंस्टॉलेड लिखा हुआ है और यदि आप ऊपर सिस्टम लिखा हुआ देखेंगे, सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो जो फ़ोन में एप्लीकेशन आती है वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आपकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ये जो आप प्ले स्टोर से या अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से यूज़ करते हो, उनमें आती है। तो आपको इंस्टॉलेड पर क्लिक करना है। और तो देखिए अब यहाँ से आपको बता दूँ क्या करना है, कैसे आप चलाएंगे। मान लीजिए जैसे मेरा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर WhatsApp लिखा हुआ है, वहाँ से इसकी जो परमिशन अलाव नहीं हो पा रही थी, तो WhatsApp पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, देखिए आपके सामने से टिक मार मिल जाएंगे, आप सबको इसे ग्रीन कर देना। एक बार ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बैक होगा और यहाँ से इस सेटिंग में आपको ले जाएगा। जब यहाँ से ले जाए तो आपको ऊपर से नीचे तरफ चलना है, नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको लिखा मिलेगा परमिशन मैनेजर, तो आप इस परमिशन मैनेजर पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ है, अभी तक आपको इसको टिक करके ऑन कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब ये परमिशन मैनेजर जो है ओपन हो चुका है, सिंपली अब आपके सभी चीज़ वर्क करने लगेंगे। किस तरह से आपको बता दूं, देखिएगा फिर से समझिएगा। यहाँ पर आप WhatsApp आ चुका है, जैसे कि WhatsApp आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे टिक मार मिल गए हैं। दोस्तों देखिए पहले मैंने टिक पर क्लिक किया था तो परमिशन मैनेजर पर चला गया था ऑटोमेटिक, लेकिन अब ये यहाँ से इन्हें ग्रीन करता हुआ चला जाएगा। आप सबसे पहले सबसे ऊपर ले कैमरा वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऑन होते चले जाएंगे, सभी अलाव होते चले जाएंगे और उनकी परमिशन वो मैनेजर अपना आप ही एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से सिर्फ आपको क्लिक मार के छोड़ना है, ये क्योंकि इफेक्ट आप ही दिखाता है, यानी भागता है और आ जाता है अपना आप ही करता है, सिर्फ आपको एक बार उंगली मार करके इस पर छोड़ देना है। इस तरह से सबकी जो परमिशन है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी जो एप्लीकेशन है वर्क करने लग जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपको इन सभी को ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा व्हाट्सअप तो पूरा चल चुका है, अब यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी हैं और जो जो भी एप्लीकेशन आपकी वर्क नहीं कर पा रही हैं, जो भी एप्लीकेशन, आप सभी पर इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी व्हाट्सअप पर किया है, तो आप इसी तरह से सभी एप्लीकेशन पर आप देखिए। मैं पिक्सल लैब पर कर दूँगा, इसे भी मुझे चलाना है, देखिए ये मैंने ऑन कर रखी है, तो सभी को इसी तरह से यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो भी ऑफ हो रखे होंगे यहाँ पर, उन सभी को आपको यहाँ से ऑन
कर देना है इस तरह से। और जैसे ही आप ऑन कर देंगे ना दोस्तों, तो सभी को आपको ऑन करके छोड़ देंगे, फिर बैक चले जाना है बिल्कुल। और जब आप बैक चले जाएंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपकी काम नहीं कर रही थी, आप उस एप्लीकेशन को चलाकर देख सकते हैं, वही एप्लीकेशन आपके काम करने लग जाएगी। देखिए दोस्तों काइन मास्टर, यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए अभी वहाँ पर काइन मास्टर ने वर्क नहीं किया है, तो मैं फिर से परमिशन मैनेजर में आ चुका हूँ दोबारा, और यहाँ पर काइन मास्टर देखूँगा। ये देखिए कि एम प्रीमियर प्रो, आप इस पर क्लिक कर दूँगा मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सभी अभी ऑफ हैं, इन्हें ओपन करना होगा। तो इसी तरह से आप क्लिक करके छोड़ देंगे तीनों पर, ये ऑटोमेटिक ही परमिशन ले लेता है इनकी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से तीनों ऑन हो चुके हैं। अब वापस चला जाऊँगा मैं वहीं होम स्क्रीन में, और अब काइन मास्टर को ओपन करके देखता हूँ कि ओपन होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये ऑटोमेटिक ही अब ओपन हो चुका है, और भी यहाँ पर ही सब प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, सभी कुछ इसमें ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक ही। और जो हमारी और एप्लीकेशन थी व्हाट्सअप वगैरह, उन्हें भी आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, अभी वो भी आपके सामने ओपन नहीं हो पा रही थी। देखिए इस तरह से ये भी सभी अब ओपन हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले ये भी नहीं आ रहा था, माना ये ओवरले डिस्प्ले दिखा रहा था। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, यदि आपका फ़ोन परमिशन नहीं देता है, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, और आपके सभी एप्लीकेशन जो है काम करने लग जाएंगी। दोस्तों करता आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगले को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।